एक तरफ टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका दौरे पर हुए दूसरे टेस्ट मैच में जीत अर्जित कर टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया, वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाज बचाने के लिए टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बाबर आजम को लाइव मुकाबले में कुछ ऐसे तीखे शब्द कहे जिसे सुनने के बाद बाबर आजम ने जो मिचेल स्टार्क को जवाब दिया वो काफी हैरान करने वाला था। मिचेल स्टार्क ने बाबर आजम को बीच मैदान पर दी गाली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब तीसरे टेस्ट मैच में अपने दूसरे पारी में बल्लेबाजी करने आई तो टीम की शुरुआत काफी खराब रही, जिसके चलते बाबर आजम को जल्दी ही बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आना पड़ा। इसी दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे पारी के चौथे ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ओवर शुरू होने से पहले बाबर आजम को अपशब्द कहा, तुम घरेलू मैदान पर ही खेलने लायक हो, तुम विराट कोहली का 5% भी नहीं हो। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिचेल स्टार्क के बयान पर बाबर आजम ने उन्हें जवाब देते हुए या डेफिनेटली बता दे कि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बाबर आजम विराट कोहली के दर्जे के खिलाड़ी हैं, बल्कि कुछ लोग तो यह दावा भी करते हैं कि बाबर आजम ही बेहतर है रिकॉर्ड्स के अनुसार, लेकिन मिचेल स्टार्क ने बाबर आजम को मुंहतोड़ जवाब एक मैच के दौरान ही दे दिया। वह जानते हैं कि विराट कोहली कितने ज्यादा महान खिलाड़ी है, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें वह दर्ज नसीब हुआ है, लेकिन अपने आप में आप सभी को क्या लगता है वास्तव में बाबर आजम और विराट कोहली में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।